दोस्तों अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि लैपटॉप की जो बैटरी होती है समय के साथ साथ खराब हो जाती है। हम लैपटॉप को चलाने बैठते हैं तो उसका बैटरी पिकअप मात्र 10 मिनट का रहता है। लाइट जैसे गोल होती है लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाता है या तो लैपटॉप ऑन ही नहीं होता। तो आज मैं ऐसा सोल्यूशन लाया हूं आपके लिए जिससे कि आपके 1500 से 2000 रुपए आसानी से बच जाएंगे। सिर्फ आप 100 रुपए में लैपटॉप की बैटरी जो होगी वो आसानी से रिपेयर कर लोगे। दोस्तों जो लैपटॉप की बैटरी होती है वो खराब हो जाती है और खराब होने के बाद हम मार्केट जाते हैं और नई बैटरी परचेस कर लेते हैं जिसका कॉस्ट पड़ता है अपने को 1500 से 2000 रुपए। और बाद में भी वही प्रॉब्लम होती है अपनी कि वो बैटरी फिर पिकअप कम देती है। 1 साल चलती है फ्रेंड, ज्यादा ज्यादा 1 साल चलने के बाद फिर वही रोना होता है। हमेशा लैपटॉप में बैटरी का ही रोना आता है। लेकिन मैं आज आपको ऐसा सोल्यूशन बताने वाला हूं कि बैटरी की झंझट से आप मुक्त हो जाएंगे और मात्र 100 रुपए के खर्चे में आपकी बैटरी रिपेयर हो जाएगी। और ये ट्रिक हमेशा हर लैपटॉप में वर्क करेगी। तो ये ट्रिक जो है स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। आपके 1500 से 2000 रुपए लैपटॉप की बैटरी में जो खर्च होने वाले थे वो आसानी से बच जाएंगे और 100 रुपए की कीमत में सिर्फ आप बैटरी रिपेयर कर लेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स हम अपने लैपटॉप की तरफ आ गए हैं और ये हमारा लैपटॉप है और इस लैपटॉप में प्रॉब्लम यही आ रही है कि ये ऑन नहीं हो रहा है और इसकी जो चार्जिंग है वो बता रही है, इंडिकेट कर रही है, चार्जिंग शो कर रही है, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। हम बार बार इसे ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा फ्रेंड्स। तो इसके लिए प्रॉब्लम यही है कि इसकी बैटरी खराब हो चुकी है फ्रेंड्स। बाकी लैपटॉप में और कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, सबसे पहले बैटरी की ही प्रॉब्लम चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन बैटरी इसकी रिमूव करते हैं और देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें चार्जर लगा हुआ है, चार्जर कनेक्ट है मेरा, लेकिन चार्जर कनेक्ट होने के बाद भी ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इसमें अपन को सिंपल देखना पड़ेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। जब फ्रेंड्स ऑन नहीं हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है आपको कि ये 10-5 मिनट भी ही वर्क कर रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बैटरी की दिक्कत है। तो इससे निपटने के लिए एक सोल्यूशन है मेरे पास जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स हम बैक पैनल इसको पलटा चुके हैं, इसका बैक पैनल कुछ इस टाइप से है और इसकी बैटरी हमको निकालनी है। तो फ्रेंड्स हम इसकी बैटरी निकालते हैं, बैटरी निकालना पड़ेगा इसकी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारी बैटरी ओपन हो चुकी है, हमने बैटरी को ओपन कर लिया है फ्रेंड्स, बस निकालना है। तो फ्रेंड्स हमारी बैटरी निकल आ चुकी है, निकल गई है। तो बैटरी कुछ इस टाइप से रहती है फ्रेंड इसकी, और ये बैटरी इस टाइप से रहती है। तो अपन को इस बैटरी को क्या करना है फ्रेंड्स, सिंपली इसको खोलना है, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको खोलना है। और इसके अंदर भी बहुत सारी लिथियम आयन की बैटरी रहती है, तो उसको देखना है कि कौन सी बैटरी खराब हो चुकी है और कौन सी सही है। तो फ्रेंड्स हम इसको ओपन करते हैं, तो फ्रेंड्स हमारी जो बैटरी है वो ओपन हो चुकी है लगभग लगभग फ्रेंड्स। तो लैपटॉप की बैटरी कुछ इस टाइप से रहती है, इसमें 6 सेल लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 सेल लगे हुए हैं फ्रेंड्स, और इसका कनेक्टर कुछ इस टाइप से रहता है। तो फ्रेंड्स इसमें कोई ना कोई बैटरी खराब हो जाती है जिससे कि कंटिन्यूटी इसकी ख़त्म हो जाती है, या 1 या 2 या 3 बैटरी खराब होंगी फ्रेंड्स। तो आसानी से आप बाजार से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको और निकाल के दिखा देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स देखिए इस टाइप की कुछ बैटरी रहती है और ऐसा कनेक्शन रहता है इसका लैपटॉप की बैटरी का, तो ये इस टाइप की बैटरी रहती है। तो अपन को सिंपली 6 सेल की बैटरी है, तो फ्रेंड्स इसमें से आप चाहें तो 6 के 6 नए सेल कर सकते हैं जिससे आपकी बैटरी थी का बहुत बढ़िया हो जाएगा।
और अगर आप चाहें तो जो इसके सेल खराब हो चुके हैं उसे मल्टीमीटर से चेक करना। और मल्टीमीटर से चेक करने का तरीका ये है फ्रेंड्स, अगर 1 वोल्ट के नीचे अगर वोल्टेज आ रहा है किसी में तो वो बैटरी डेड हो चुकी है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से, और आप इसको आसानी से घर बैठे ही रिपेयर कर सकते हैं। आपका खर्च मात्र 100 रुपये ही आने वाला है फ्रेंड्स, 100 रुपये से ज़्यादा नहीं जाने वाला, और 100 रुपये में आप अपनी लैपटॉप की बैटरी जो होगी वो आसानी से रिपेयर कर लेंगे। और एक और बात फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि इसकी जो बैटरी रहती है, आपको कोशिश करना है कि जो आप बैटरी परचेस करके लाएंगे वो अच्छी बैटरी हो, अच्छी क्वालिटी की बैटरी हो, जैसे कि आपको बाद में प्रॉब्लम न जाए। आप आसानी से अपने 1500 से 1600 रुपए बचा सकते हैं बैटरी के ऊपर जो खर्च करने वाली थी, 100 रुपये में आपका जुगाड़ हो जाएगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।